फैमिली के सामने पूरा बदनाम तो कर ही दियो। बात करो ना, बात कर रहे ना तुमसे वो। अभी हफ्ता 10 दिन हो गया ना, हफ्ता 10 दिन में जो वीडियो पे व्यूज आया, जितने कमेंट्स आए हैं, उससे आपकी बदनामी नहीं हुई है, इनका बदनामी हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं राइस खान। दोस्तों आज मेरे साथ है मासूम और रतिक। क्यों है मेरे साथ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? दरअसल एक वीडियो अपलोड हुआ था राउडी रति, जो रति का चैनल है, और फेसबुक तुक्का 2.0 पे अपलोड हुआ है। एक दो बजे रात में कुछ एक्टिविटी ये लोग को होते दिखा, तो फिर ये लोग कैमरा वैमरा मंगा कर फिर शूट वगैरह किए। बट उस दौरान कुछ अजीब सा, फिर उसके बाद से कुछ फील होने लगा। जब मैंने मासूम से बात किया कि मासूम क्या किया जाए, हम कि शायद हम लोग कुछ गलत कर दिए हों, क्योंकि उस दिन लड़का का जो रवैया था वो थोड़ा अपनापन भी दिखा रहा था, वो कि जाके उससे पूछिए, वो जानती है ये चीज़ बार बार बोला। हमें फील हो रहा है, और फील और कह रहा है, अब तो हम लोग कंफर्म ही हो चुके हैं कि वो उसका मतलब बॉयफ्रेंड है। बट ये लड़की एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, बोले कि नहीं वो कैसे, क्या मतलब पता, मतलब कैसे जब पता ये चला? मेरे साथ हॉस्टल में रह रही थी तो इसके नंबर पे कॉल आया, और उस पर जान लिखा था और 2 हार्ट का सिंबल था, और उस पर उसी लड़के का फोटो था जो उस रात में था। कंफर्म हो? एकदम 100% कंफर्म। और मैंने उस टाइम क्या किया कि मैं अपने फ़ोन से उसका एक फ़ोटो ले ली, जब ये वॉशरूम में थी। मैंने इससे पूछा कि ये तो वही लड़का ना जो रात में था, बोले कि नहीं दी कोई और है, आपको ध्यान में नहीं है। बोले नहीं यार, बोले कि अब रात में था तो ध्यान से देखी नहीं, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई और लड़का है। लेकिन जब भी उस नंबर से कॉल आता है, ये तो मेरे ही साथ रहती है हमेशा, ये कट कर देती है। तो मैं पूछी कि मतलब क्यों नहीं बात करूँ, कि नहीं ब्लॉक कर देती सीधा, भाई लड़के को तड़पा रही है, कट कर दे रही है, मतलब कन्फर्म हो कि वही लड़का का फोटो था। और फिर मैंने मासूम को वो नंबर भेजा, मासूम बात किया उस लड़के से, मतलब होता है ना, मासूम भी बोल रहा है कि हाँ दी हम लोग से गलती हो गया है। कुछ तो बंदा वो सही बोल रहा था, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो चीज़ था, हम लोग को लगा कि नहीं लड़की सही है, लड़का गलत है। मासूम बात भी किया था उस लड़के से, मैच कर रहा था तो मैं पूरा वही लड़का था ना, क्योंकि मतलब यार होता है ना, फोटो देखा हुआ है, ऐसा भी तो ना कितना भी अंधेरा नहीं। वो लड़की का नाम श्रेया है, और पता नहीं वो लड़का का नाम क्या है, अभी हम लोगों को पता नहीं चला है। वो जान नाम से सेव था, तो नंबर अभी मेरे पास है, मैं अभी फ़ोन करूँगा उसको, लड़का को। अच्छा वो लड़की आ रही है ना? हाँ, मैंने श्रेया को बोला, कंफर्म है ना, वो आएगी ना, थोड़ा सा घूमते घूमते तो वो आ रही है, कंफर्म है वो आएगी। ठीक है, तो अभी हम फ़ोन करके वो लड़का से बात करते हैं, और कोशिश करेंगे उसको यहाँ पे बुलाऊं, ताकि दोनों को आमने सामने आज किया जाए, और उसके बाद जो अगर सच है झूठ है सारा चीज़ कन्फर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। एक्सीन वाजन बाबू, हेलो। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं, कौन आप, कौन बोल रहे हैं आप, कौन बोल रहे हैं, फ़ोन आपने किए हैं? जी फ़ोन हम किए हैं, मगर हमको आपके बारे में जानना है। आप कौन बोल रहे हैं? राज बोल रहे हैं। राज बोल रहे हैं जी। अच्छा, आपका नाम राज है जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम दानिश है। एक बात पूछना था राज भाई आपसे, हफ्ता 10 दिन पहले कुछ आपके साथ रात में हुआ है क्या? आप कौन बोल रहे हैं, आपको कैसे पता? हम आपका वीडियो देखे हैं यार। हेलो, अरे यार जो वीडियो बनाया है ना, हाँ जो भी बनाया बहुत गलत किया, पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया हम मेरा। अच्छा, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब पता नहीं कौन आया आके पूरा हम ही से लड़ रहा है, हम ही को समझा रहा है, और गुस्सा थी हमसे किसी बात की वजह से। 4 साल से हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके बाद तो आपकी गर्लफ्रेंड आपकी साथ आपका साथ नहीं दी, गुस्सा थी ये टाइम। अच्छा सुनिए सुनिए राज भाई एक मिनट बात सुनिए मेरा, कुछ बात करना है, आप मिल सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम दानिश है, और जो लड़का और जो लड़की थी उस वीडियो में जी, वो मेरा टीममेट है, वो लोग हम लोग दोस्त हैं, एक टीम में हैं। अच्छा, जो हमसे बगजा किए थे। जी 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 जी, तो अगर पॉसिबल हो तो हम लोग मिलना चाहते हैं आपसे, ताकि वो चीज़ समझ में आए, तो प्लीज़ अगर हम लोग गलती किए हैं तो गलती को सुधारना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं आप? कहाँ पे हैं बताइए, आपको हम लोकेशन भेज रहे हैं।
अपना लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर यही है, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप आइए और एसकेपुरी पार्क बोरिंग रोड में है वहाँ पे पहुँचिए, फिर लोकेशन से आ जाइएगा जहाँ पे भी है। ओके ओके ठीक है, भेज दीजिए। ठीक है, जल्दी आइए। यार ये लड़की से हम बहुत पूछे, मतलब एक ये तो मान ही नहीं रही है। दोस्तों गलती कहीं ना कहीं अगर बोले तो हम लोग का भी है, थोड़ा बहुत का है, हम गलती वैसा नहीं, हम लोग का सिचुएशन वैसा था। हाँ, क्योंकि अगर अगर कोई भी रात में अगर लड़की किसी को परेशान, कोई लड़की को परेशान कर रही है, कर रहा है, तो उसको बीच चौराहे पे एकदम बीच चौराहे पे, मतलब सिचुएशन भी ऐसा हो गया था ना, क्योंकि हम लोग को लगा कि यार मतलब बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि वो एरिया बहुत सुनसान है, इसलिए तो हम चंदन मासूम मुझे छोड़ने के लिए वहाँ पे गया था। तो अब क्या, देखो पहले काम करो, वो लड़की आती है उसे बात तुम करो, उसे निकलवाने की कोशिश करो, फिर वो लड़का जब आता है, अगर वो पहले आ गया तो लड़का को हम रोक के रखेंगे, बाद में आया तो सीधे उसको हम यहाँ बुलाएंगे। ठीक ठीक है दोस्तों, जब आती है तो देख लेते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कहाँ से रहे हैं? हाँ दी मैं अंदर आ गई पार्क के अंदर, आप कहाँ हो? अरे इधर 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 कॉर्नर में, कॉर्नर में साइड। हाँ आ जाओ। देर लगा दी आने में? जाम था ना बहुत सारा वहाँ पे गोलंबर के पास। हाँ। ओ, रूम लॉक करके आई हो? हाँ लॉक कर दिया। अरे नहीं तुमको बुला लिए ना कि मौसम अच्छा था, घर तुम निकलती तो हो नहीं। हाँ। तो चाबी कहाँ रखी? वहीं पे रख पे। हाँ, रख के रख दिया। अच्छा कोई नहीं, सोचे कि मौसम अच्छा है तो तुम थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, तुमको अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा तो मौसम अच्छा ही लग रहा है। सोचे तुमसे कुछ बात बात भी करेंगे। सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओगी श्रेया? क्या बोलिए? सही सही बताओगी ना? पक्का? क्या झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोली बट जो भी हो। अच्छा जो तुम्हारे नंबर पे कॉल आता है जो जान लिखा हुआ था, ये वही लड़का है ना जो उस दिन रात में था? देखो हम तुमसे बहुत बार पूछ चुके हैं, तुम बहुत बार बोली नहीं है, बट मुझे लगता है यार कि वही है, मतलब फेस तो आप तो बार बार वही टॉपिक उठा लेते हो, बोल रहे हैं कि नहीं है दूसरा है, आप बार बार वही टॉपिक उठा लेते हो। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, पता नहीं शायद शायद मेरी गलती होगी, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। आपको फिर ये लड़का कौन है? कौन ये जिसका मतलब कॉल आता है? ये मेरा बॉयफ्रेंड। क्या नाम है इसका? इसका नाम राज है। इतना सोच के नाम बता रही है, नामकरण कर रही है। नहीं नहीं राज नाम। हेलो क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है आप बताइए। मतलब भी ठीक है। कैसी है फेमस गर्ल? पूरा एकदम छा गई है यार, पूरा छा गई है। सही मतलब सही की बताए जो तुम की हो ना, अलग लेवल का, लोग इंटेंशन दे रहे हैं कि हाँ सच में जो गलत है गलत है, आवाज उठाना चाहिए सबको। पहचान रही हमको? वो चीज क्योंकि लड़का के अंदर जब तक वो चीज बात नहीं रहे ना तो एक हाँ हेलो हाँ हेलो पार्क के पास आ गए आप? अंदर आइए, सीधा जैसे आइएगा ना राइट हल्का लीजिएगा, बस हम लोग दिख जाएंगे सारे लोग। सीधे वहाँ से राइट लीजिएगा जी। वही है ना? ओके वही है ना? हाँ इधर इधर सामने सीधा आइए। इसको क्यों बुलाया आप? वेट करो दो मिनट। जानती हो इसको? तो जो था वही आनंदी। ये वही हम बैठे। आप यहाँ पे क्यों बुलाए हैं? सुनो ना बैठ 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 बैठो ना बैठो बैठो बात करते बैठ। क्यों बुलाए हैं? बैठो बैठो बोल रहे ना बच्चा, बैठो 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 बात करते हैं बैठ। वही लड़का है आपने नाम में, हम भी पहचान रही, क्या कर लेगा? कॉल हम ही किए थे, ये लोग को जानते ही होंगे आप लोग? इनको तो जानते हैं। किसको जानते हैं? अच्छा किए ना, अच्छा किए ना बदनाम करके पूरा दुनिया में, पूरा फैमिली के सामने पूरा बदनाम तो कर ही दियो।
बात करो ना, बात कर रहे ना तुमसे, वो बात करो। क्या मिला करके तुमको? हम लोग का नाम राज है ना जी, इसी लड़का का फोन आता है ना तुम्हारे नंबर पे। अभी हम पूछे इसे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, करते हैं ना कोई जवाब देना तो ना उठाना। भाई आखिर उस दिन हुआ क्या था? सारा जो दुनिया देख लिया है, बैठो तो मिनट, सही है गलत है, अगर गलत है ना तो इसको अभी हम मार के नहीं ठीक कर देंगे, इसको कहाँ कहाँ थाना उन्हें सब भेज देंगे। उस दिन तो ऐसे ही चला गया था ना, अगर ये गलत है तो इसको हम लोग इस बार पुलिस में देके आएंगे। चुपचाप बैठो, एक चीज दिखा देते हैं वहाँ पे, हम लोग कैमरा लगा के हैं, समझे? तो चुपचाप बैठो, बैठो बैठो, चुपचाप बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो हकीकत है पता है। हाँ, जो भी है सच्चाई है। तुमसे ये कितनी बार पूछी ना, हमको ऐसा नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं चलता है, सारी चीज हमको पता चलता है। कितनी बार तुम पूछी रहती? कितनी बार? अरे मुझे मुझे पता था कि वही लड़का है, लेकिन मुझे लग ही रहा था यार फोटो मुझे दिखेगा नहीं। ये बोले नहीं दीदी आपको गलतफहमी हो गया। क्या है, क्या है हकीकत, क्या है थोड़ा सा हमको जानना है। और 8 साल से हम लोग, देखिए एक बात बता देते हैं, होता है इंसान है हम लोगों का, एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, पहले सबसे पहले बात, गलत क्या है सही क्या है मैं सारा चीज एक्सप्लेन होगा अभी। अगर ये बंदा गलत होता तो यहाँ पे आता नहीं, ये अगर सही होती थी आज ये भागती नहीं। तो बस एक चीज, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए आप सही हैं या वो सही हैं, बस हम लोग अभी हफ्ता 10 दिन हो गया ना, हफ्ता 10 दिन में जो वीडियो पे व्यूज आया है, जितने कमेंट्स आए हैं, उससे आपकी बदनामी नहीं हुई है, इनका बदनामी हुआ है। ऐसा नहीं कि ये लड़का है तो इसका बदनामी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज को भी फर्क पड़ता है। सारा फैमिली जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से हमको प्रॉब्लम हो गया है। क्या बात है, हमको पूरी बात बताइए कि आप लोग का क्या हकीकत है, क्या सच्चाई, हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग खुद डाउट में कि सही में हम लोग कुछ गलती तो नहीं करती है। बात ये है कि हम लोग 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं। 4 साल से जी, पूरा घूमना फिरना, बात करना, एक साथ रहना, मतलब 4 साल से ये किस तौर पे आपके साथ है? फ्रेंड, गर्लफ्रेंड है? मंगेतर क्या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड है आपकी जी, ठीक है। उस दिन रात में क्यों ऐसा हुआ था कि हम लोगों को ऐसा अटपटा, हम लोगों को या पूरी दुनिया को ऐसा लगा? गलती तो हम किए थे क्योंकि फोन इसको किए तो आए, हम इसको टाइम पे बुला लिए थे। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? 4 साल का रिलेशन है आप लोगों का? सही बोल रहे हैं, आगे आप बताइए। ये वहाँ पे हम इसको बुलवा लिए थे, फिर आई तो हम कॉल किए, लगा ही नहीं कॉल मेरा, क्या करे। बताई थी कि इसका मोबाइल ऑफ हो गया, मेरा मोबाइल, मेरा भी मोबाइल ऑफ हो गया था। उसके बाद इसको कॉल ट्राई करते करते बैटरी मेरा लो था, मोबाइल ऑफ हो गया था। फिर उसके बाद इसको कॉल किसी भी तरीका से नहीं कर पाए। अब फिर हम इसको कहाँ खोजें, हमको कहीं मिली नहीं, और जब मिली तब तो इतना सारा ड्रामा हो गया, क्या किया जाए। उस समय ऐसा हम लोगों को क्यों महसूस हुआ? आप भी गुस्सा में थे? हम इनको बोले गुस्सा में, आप भी थे गुस्सा में? ये लड़का था ना, मासूम नाम है इसका, ये लड़का था ना आपके साथ में, ये लड़का था, ये आए बाद में, पहले हम इनसे बात कर रहे थे, ठीक है ना, वहाँ पे पहले हम इनसे बात कर रहे थे, हम इसको समझा रहे थे, चलो बाबू हो गया बात ख़त्म करो। तो एक बैग ये लोग आए तो पूरा मतलब कि पूछने लगे कि क्या बात है, क्या बात है। तो हम इनको बताएं भी कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये, पूछिए आप, पूछे आप, बोले जो भी है बताएं। आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो आपके बात करने का अंदाज था ना, हम किसी को लगा ही नहीं कि आप सही इंसान हो। ये सीधे बोली, हमने जानते किसी को भी टेंशन होता है ना। आप 12 बजे 1 बजे रात में कोई लड़की अगर खड़ी रहे और कोई लड़का उससे बात करे और बोले कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मैं, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, लड़की इनकार कर दे, क्या समझ में आएगा बताइए? आप मेरी जगह पे रहते, इसकी जगह पे रहते तो क्या करते? सबसे बड़ा बात है ना कि हम जिस टाइम इससे मिल रहे थे, हम लोग में बगझग जो हो रहा था ना, उसके वजह से दिमाग तो एकदम उसी समय ख़राब था। ये तो जाने का नाम नहीं ले रही है, एक रात हो रहा है, टेंशन भी हो रहा है, और एक बैग ही लोग आए और रूडली टाइप के पूछने भी लगे और दिमाग ख़राब हो गया। तो हम भी थोड़ा सा बोल दिया, उल्टा फुलटा थोड़ा सा बोल दिए, उनको कुछ समझ में आया नहीं। आप ऐसा उस टाइम तो हम इनको बोले ही कि कुछ। और ये जब आपके पास फ़ोन कर रहे थे उस दिन के बाद से आप लोग का कितना बात हुआ है, कितना बात हुआ आप लोग का उस दिन? कॉल उठाई तब ना बात होगा, कॉल उठाई नहीं रहे, कॉल इतना सारा, देखिए इसके मोबाइल में इतना मिस कॉल होगा, इतना रिजेक्ट कॉल में होगा। क्यों आप बात नहीं की थी? आप हमको थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा, पूरी जनता को दिखाने की कोशिश कीजिएगा। हम वीडियो देखे थे। क्या वीडियो देखे थे? वीडियो आप देखी थी? हाँ। फिर हमको वीडियो देखने के बाद हमको अपने आप में बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। आपको उसी टाइम सोचना चाहिए ना। तो फिर एक बार भी आप हम लोगों को बताने की कोशिश की, आप तो हमको नहीं जानती थी, ठीक है, नहीं नहीं डालते किसी का बदनामी तो इतना। आप हमको नहीं जानती थी, आप इसको जानती थी, ये आपकी रूममेट की तौर पे थी,
एक बार भी बोलती हमसे कि जानते हैं उसको। चलो उस समय गुस्सा था, बाद में तो गुस्सा शांत हो गया था ना। और एक हफ्ता से कॉल कर रहे, उठा नहीं रही है, टेंशन में कि कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ अता पता क्या करना है। आप लोग देखिए, समझिए। और मैं तो जनता के लिए ये सोच रहा था, जो हम लोग से गलती हो गई है, हम लोग के तरफ से एक गलती हुई थी, सॉरी उसके लिए। मेरे जगह पे अगर आप भी रहते, इसके जगह पे अगर आप भी रहते ना, तो आपको भी ऐसा ही लगता। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा था। क्या करना है यार, देखिए आप लोग, समझ में नहीं आता है आप लोगों का। अभी रहने दो, बात कर दीजिए, अभी बात समझो। पहले तुम बोल रहे हो, प्लीज माफ, पहले मेरा बात सुनो। सारा जगह तो बदनाम कर दी हो तुम, सारा जगह बदनाम कर दियो ना। मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो लड़की ठीक नहीं है, छोड़ दो। अब क्या हुआ, अब मम्मी भी यही बोल रही है कि जो बदनाम कर ही दी हो, तो अब क्या करना है। चलो ठीक है, चुप, पहले बात सुनो। पहले कॉल तो कम से कम उठा लेती ना तुम, कॉल तो कम से कम उठा लेती, कॉल उठाती ना तुम, कॉल उठा के कम से कम बोल देती तुम। बताओ, परेशान नहीं ना होते हम, एक हफ्ता से तुमको कॉल कर रहे हैं। एक बार आप कॉल भी उठाई, बैठिए एक मिनट, बैठिए बैठिए, चुपो चुपो। क्या करना है राज भाई, आप ही देख लीजिए। ठीक है, अब समझ गई, बस आइंदा से कभी भी गुस्सा में रहो तो कम से कम फ़ोन उठा लिया करो बाबू। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए ना, और आप फोन भी प्रॉब्लम समझोगे ना, मेरे साथ भी तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी तो हम नहीं आ पाए होंगे, नहीं तो हम आपको इतना रात को अकेले छोड़ देते। आप बताइए पहले, हाँ मम्मी लोग इतना हमेशा बोलती थी तुम्हारे बारे में कि वो लड़की ठीक नहीं है, तुम धोखा देगी, छोड़ देगी तुमको। आखिर क्या हुआ, अभी तो मम्मी तो सच हो गई, मम्मी तो सीधा कह रही है कि देखो क्या हुआ, बदनाम तो कर दी ना सारे जगह। थोड़ा सा समझो बाबू, अगर गुस्सा अगर आता है तो समझो, हमसे बात करके पूछ लिया करो कि हाँ क्या दिक्कत है। अभी भी भाग रही थी, बताइए। अभी भी हम आए तो तुम बताओ कैसे भाग रही थी। अभी भी आए तो कम से कम बात तो कर लेती, नहीं एकदम भाग रही हो, ऐसा दिखा रही हो कि जानती ही नहीं हो, लगता है मेरे चेहरे से तुमको नफरत हो गया है। समझोगे ना थोड़ा सा, कुछ भी कोई दिक्कत है तो फ़ोन करके बात कर लिया करो, नहीं कांटेक्ट हो रहा है, नंबर याद है तो कहीं से कॉल कर लिया करो, मोबाइल अगर ऑफ हो गया था तो। देख कितना सारा लोग क्या क्या समझ लिया होगा। देखो अगर प्रॉब्लम है तो अगर बैठ के डिस्कस कर लिया करो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करके अपना इज्जत उछालना पूरी दुनिया में। मेन बात है कि अब तो सारा जगह तो बात हो ही गया है, अब सबको एक एक को हम बताते जाएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था। अब मुँह बस चुप रहते थे, कोई भी बोलता था कुछ चुप रहते थे, कहीं किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो तुम ही मेरा साथ नहीं दे रही हो, हम किसको जवाब देंगे। 4 साल का प्यार तुम दो एक ही मिनट में, मतलब कि उस दिन आए और बस एक गलती के कारण हो भी, अभी एक गलती के वजह से पूरा मतलब कि ख़त्म कर दिए। गलती इनका भी बोल सकते हैं और गलती आपका भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल ऑफ हो गया था। यार अपने गुस्से को अपने प्यार पे हावी मत होने दो ना। हम मोबाइल कॉल भी कर रहे थे और इतना जगह तुमको हम खोजे, इतना जगह खोजे, कहीं नहीं मिली। लास्ट में जहाँ पे मिली, तुमको समझा रहे हैं कि चलो अब हो गया बात ख़त्म करो, तो नहीं, फिर भी तुम वही कर रही थी, समझो अब। लेकिन दोबारा आइंदा से कभी ऐसा नहीं करना, ठीक है। और सॉरी चलो ठीक है, माफ कर दिए, चलो तो बात खत्म करो अब, ठीक है दानिश भाई, थैंक यू। नहीं, हम लोग की तरफ से सॉरी, और आपको सॉरी मिसबिहेव के लिए। वो सिचुएशन में, वो आप ऐसे सिचुएशन में थे ना, सॉरी सुन ना, वो आप ऐसे सिचुएशन में थे कि ऐसा हो गया। तुमको बस यही बोलेंगे यार, अगर मिला है ना इंसान तो कदर क्या करो, ऐसे सबको नहीं मिलता है। गुस्सा इतना बड़ा नहीं है कि तुम अपना रिश्ता खत्म कर दो, इतना गलती की बात ना कर, दूसरा कर दो कभी तुम्हारा जब देखता है तो लास्ट टाइम बस यही बोलूंगा कि हम लोग के तरफ से अगर गलती लग रहा है तो सॉरी, क्योंकि अगर कोई भी होता हम लोग के जगह पे, मासूम रत्ती की जगह पे अगर कोई भी होता और रोड पे आपकी बहन होती और एक लड़का उसको छेड़ रहा होता, हम लोगों को पता नहीं है कि वो लड़का लड़की का क्या रिश्ता है, तो वो एक्शन लेना बनता था। समझे भैया, सॉरी मगर हम लोग को मजबूरी था, हम लोग इंसान है और इंसानियत दिखाना जरूरी है। आप लोग को जो लगा वही आप लोग किए, लेकिन अगर हम लोग जो आप ही रखते शायद आप ही ऐसे ही करते। हम भी रहते हैं, अगर देखते तो हम भी कुछ ना कुछ उसको पूछते ही या कुछ बोलते ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।